नमस्कार दोस्तों मैं हूश ओम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस एस मंत्रा इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में जिनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है इससे आप समझ सकते हैं कि हम पुनर्जागरण काल की बात कर रहे हैं पुनर्जागरण काल में राजा राम मोहन राय का एक विशिष्ट स्थान रहा जिन्होंने पुनर्जागरण को भारत में प्रारंभ किया अब इस वीडियो में हम राजा राममोहन राय जी के बारे में बात करेंगे उन्होंने एक विशेष संस्था की स्थापना की बहुत नाम है उसका ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की बात हम अगले वीडियो में करेंगे ठीक है क्योंकि ब्रह्म समाज को इसी वीडियो में समझाने पर यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो देखने में पढ़ने में थोड़ी सी समस्या होती है ठीक है तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में इस वीडियो में हम केवल बात करते हैं राजा राममोहन राय जी का जन्म हुआ था बाईस मई सत्रह सौ बहत्तर बाईस मई सत्रह सौ सेवेंटी टू को उनका जन्म हुआ बंगाल के हुगली जिले में राधानगर नाम के मोहल्ले में उनका जन्म हुआ हुगली में और वे जन्म से ब्राह्मण परिवार से थे ठीक है तो उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है या फिर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है तीन चीज़ें इसके बारे में अभी और भी उनकी कुछ उपाधियां हैं जो आ, घटनाक्रम से संबद्ध करके हम आपको बताएंगे तो उनको ये किस लिए कहा जाता है अभी हमने तीन उपाधियां आपको बताई तो ये किस लिए दी गई किस कार्य के लिए दी गई ये इस वीडियो को देख आप अभी समझ जाएंगे आगे ठीक है तो राजा राम मोहन राय जी का जो मुख्य कार्य था उनके जीवन भर का वो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों से लड़ते रहे सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के प्रति वे बहुत ही संवेदनशील थे और उनके मुख्य कार्यों में आप सती प्रथा का विरोध बहुपत्नी प्रथा का विरोध बाल विवाह का विरोध कन्या शिशु वध का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन स्त्री शिक्षा का समर्थन स्त्रियों की सामाजिक दशा के उत्थान का समर्थन ये सब करते हुए आप उनको देखते हैं वे तार्किक बुद्धिवाद और मानवतावाद के समर्थक थे तार्किक बुद्धिवाद और मानवतावाद का उन्होंने समर्थन किया और फिर अकबर द्वितीय मुगल शासक अकबर द्वितीय ने उनको लंदन जाते समय राजा की उपाधि देकर भेजा था तभी से वो राजा राम मोहन राय कहलाए नाम उनका राम मोहन राय था राजा राम मोहन राय कहलाए जब उनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी दे। अब देखिए उस समय ये विचारक थे ये अपने विचार प्रेषित करते थे समाज सुधारक थे ये सुधार की भावनाएँ पहुँचाना चाहते थे आम जन तक लेकिन उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं सोशल मीडिया था नहीं जिससे ये अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते तो उस समय पुस्तक और पत्रिकाएं ये अपने विचारों के संप्रेषण का एक अच्छा माध्यम हुआ करते थे तो इन्होंने कुछ पुस्तकें और पत्रिकाएं और अखबार प्रकाशित किए तो पहले उन पर नज़र डालते हैं इनसे क्वेश्चन बनकर आते हैं इसको ध्यान रखिएगा अभी तक हमने जो आपको बताया दो तीन चीज़ें उनसे सबसे क्वेश्चन आते हैं आप नोट करते चलिएगा टॉपिक्स को ठीक है तो इस वीडियो को हम बोर्ड पे नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इस समय मैं अपने घर पे हूँ लॉकडाउन का माहौल है देश में जो अभी वीडियो को देख रहे हो तो जान जाएंगे जो बाद में देखेंगे उनको पता होना चाहिए लॉकडाउन का वीडियो है इस समय मैं अपने घर में बैठा हुआ और छत पे तो यहीं से बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोर्ड है नहीं यहाँ पे तो हम बोर्ड पे इसको पढ़ा नहीं पा रहे तो पुस्तक और पत्रिकाओं की बात करें राजा राम मोहन राय जी की तो उनकी प्रथम दार्शनिक कृति जो थी वो थी तोहफत उल जो फारसी भाषा में थी तोहफत उल मुआद्दीन तोहफ्त उल का इंग्लिश में आप अर्थ निकालें तो वो होगा अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या फिर हिंदी में कहें तो एकेश्वरवादियों को एक उपहार एकेश्वरवादियों के एक उपहार से आप समझ सकते हैं कि वो एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे वो बहुदेववाद का खंडन किया करते थे और फिर 1821 में उन्होंने अंग्रेजी में एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया जिसका नाम था ब्रह्मनिकल मैगजीन ब्रह्मनिकल मैगजीन नाम याद रखिएगा अठारह में उन्होंने फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन शुरू किया ठीक है उन्होंने केन उपनिषद ईस उपनिषद कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया इंग्लिश में ट्रांसलेशन इन्होंने चार उपनिषदों का किया और 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट की नैतिक और दार्शनिक विचारों को उसके चमत्कारिक कथाओं से अलग किया अर्थात अच्छी चीज़ों को वो चुन लेते थे और ख़राब चीज़ों को वो छोड़ दिया करते थे वो प्रत्येक धर्म से ऐसा करते थे वो केवल हिंदू धर्म में नहीं वो हिंदू धर्म हो इस्लाम हो बौद्ध धर्म हो या फिर ईसाइत हो वो सबके साथ ऐसा ही किया करते थे संवाद कौमुदी 1821 नाम आपने सुना होगा इंपॉर्टेंट है नोट करते चलिएगा संवाद कौमुदी 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और ये संभवतः किसी भारतीय द्वारा संपादित प्रकाशित और संचालित प्रथम समाचार पत्र था किसी भारतीय द्वारा नोट याद रखिएगा किसी भारतीय द्वारा किसी इंडियन के द्वारा ठीक है और ये संवाद कौमुदी आगे चलकर इनका सती प्रथा के विरोध पर एक प्रमुख हथियार बना इसी के द्वारा इन्होंने सती प्रथा का विरोध प्रारंभ किया इसी में इन्होंने सती प्रथा के प्रति विरोध जताया और इनको प्रथम समाचार पत्र भारतीय होने के नाते आरंभ करने के नाते इनको समाचार पत्रों का या पत्रकारिता का अग्रदूत और पत्रकारिता का जनक भी कहा गया तीन उपाधियाँ पहले बता चुके हैं दो अभी बताया पत्रकारिता का अग्रदूत और पत्रकारिता का जनक ठीक है आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने 1815 में की आत्मीय सभा का प्रश्न आ सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई 1815 में किसने की राजा राम मोहन राय ने और किस कारण से की धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध यही इनका प्रमुख कार्य था ये धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ रहे थे और इसी के लिए इन्होंने इसकी भी स्थापना की ठीक है इसके आगे आता है आपका ब्रह्म समाज जिसका हम अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे पूरा डिटेल ठीक है तो अब राजा राम मोहन राय को विभिन्न पहलुओं पर देखते हैं कि वे धर्म धार्मिक सुधारक के रूप में शिक्षाविद के रूप में और स्त्रियों की शिक्षा के रूप में अंतर्राष्ट्रीयता के रूप में उनके क्या क्या कार्य रहे किस तरह से उन्होंने कार्य किया और उनके क्या विचार रहे ठीक है, है ब्रह्म समाज के बारे में अलग से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक तो राजा राम मोहन राय को हम देखें धार्मिक सुधारक के रूप में तो वे भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक थे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय ही थे सबसे पहले उन्होंने शुरू किया बंगाल से और वे एकेश्वरवाद और नैतिक सिद्धांतों में विश्वास करते थे अभी हमने बताया गिफ्ट मोनोथिस्ट आपने सुना तोहफतुलुमाद्दीन mm. तो वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और नैतिक सिद्धांतों में विश्वास करते थे वे मौलिक सत्य और धार्मिक एकता में विश्वास करते थे उनका मानना था ईश्वर एक है सभी धर्म उसके अलग अलग प्रतिरूप हैं अलग अलग तरह के उसके अनुयायी हैं लेकिन ईश्वर एक ही है वे सुधारों को आम जन तक पहुँचाने के लिए आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना कर चुके थे और मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का वो विरोध करते थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे कर्मकांडों के विरोधी थे और वो वेदांत दर्शन को तर्क पर आधारित मानते थे उनका मानना था कि जो वेदांत दर्शन है वो तर्क पर आधारित दर्शन है सामाजिक सुधार के क्षेत्र में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी का क्या स्थान था तो 1811 में 1811 में उनके मृतक भाई की पत्नी सती प्रथा का शिकार हुई उनको सती होना पड़ा जिससे उनको गहरा आघात लगा और उन्होंने सोच लिया कि ये प्रथा मैं बंद करवा के रहूँगा और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की इसी उद्देश्य से अभी हमने बताया संवाद कौमुदी में उन्होंने यही कार्य किया सती प्रथा के विरुद्ध और अठारह में आखिर उनको सफलता मिली 1829 में जब विलियम बैंटिक ने विलियम सत्रह पारित करके सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया ठीक है हालांकि उस समय यह केवल बंगाल में प्रभावी हो सका था अब महिलाओं के लिए और कार्यों में देखें तो वो संपत्ति में उत्तराधिकार के महिलाओं के समर्थक थे और इस चीज़ के लिए उन्होंने सहारा लिया प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार नियमों का उन्होंने कहा प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार नियमों में महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाता था आधुनिक शिक्षाविद के रूप में देखें तो उनको कई प्राचीन और कई आधुनिक पाश्चात्य भाषाओं का भी ज्ञान था हिंदी संस्कृत तो वो जानते ही थे साथ में अरबी फारसी के भी वो अच्छे ज्ञाता थे और प्राचीन भाषाओं के अलावा जब हम आधुनिक भाषाओं पर आते हैं तो अंग्रेजी फ्रांसीसी हिब्रू लैटिन यूनानी ये प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक का मिश्रित रूप से आप देखेंगे तो लगभग नौ दस भाषाओं के वो ज्ञाता थे अच्छे जानकार थे इसलिए वो अलग अलग भाषाओं में किताबें लिखते थे पत्र प्रकाशित करते थे और जिस तरह की भाषा जिसको समझ में आती थी उसके लिए वो ऐसा कंटेंट अवेलेबल करवाते थे 1817 में उन्होंने डेविड हेयर की मदद की कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए इसलिए जब हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग का नाम आता है या हिंदू कॉलेज के संस्थापकों का नाम आता है तो डेविड हेयर के साथ साथ राजा राम मोहन राय जी का भी नाम आता है और स्थापना कब हुई हिंदू कॉलेज की क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अठारह में कलकत्ता में ठीक है और वे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए मातृभाषा के पक्षधर थे वे चाहते थे कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए छोटे बच्चों को जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर अंग्रेजी थोप दी जाए ठीक है और 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की 1825 में और उसमें उन्होंने पश्चिमी और भारतीय शिक्षा का संश्लेषित रूप रखा उसके पाठ्यक्रम में ठीक है दोनों का संश्लेषण किया अच्छी चीज़ें उठाई और सिर्फ वही पढ़ाई जाएंगी ठीक उन्होंने बंगाली व्याकरण का संकलन भी किया और भूगोल और रेखा गणित की पुस्तक उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी भूगोल और रेखा गणित पर उन्होंने पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखी और बंगाली व्याकरण का संकलन ठीक है अब अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान के प्रसार में भी उन्होंने विलियम बैंटिक की मदद की क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान दोनों के समर्थक थे वे चाहते थे कि जब बच्चे कॉलेज स्तर पर आएँ तो उनको अंग्रेज़ी का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता कर सकें और उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया अभी हमने बताया आपको उपनिषदों का नाम जिनका उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया ठीक है और फिर जब राजनीतिक विचारक के रूप में देखते हैं हम राजा राम मोहन राय जी को कि वे राजनीतिक विचारक के रूप में कैसे थे तो उन्होंने शोषणकाली बंगाली बंगाली जमींदारी व्यवस्था की सॉरी थोड़ा सा फेबल हुआ तो शोषणकारी बंगाली जमींदारी व्यवस्था का वे विरोध किया करते थे उसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि अधिकतम राजस्व को एक ही बार में तय कर दिया जाए ये बार बार जो सरकार राजस्व को बढ़ा देती है अपनी लालच के अनुसार ये नहीं किया जाना चाहिए राजस्व एक ही बार में तय हो जाए उन्होंने कहा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाए उसका एक कारण था कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही होगी तो जो गलत कार्य करेगा वही उसका न्याय भी करेगा तो अपने कार्य को गलत नहीं ठहराएगा तो उन्होंने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की मांग की और उन्होंने उच्च सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की उन्होंने कहा ऊंचे पदों पर भारतीयों को भी स्थान दिया जाना चाहिए और सिविल सेवा की आयु सरकार दिन ब दिन कम करती जा रही थी ब्रिटिश सरकार तो उन्होंने कहा इसको बढ़ाकर 22 वर्ष किया जाए इसको कम ना किया जाए 22 वर्ष किया जाए क्योंकि भारतीय छात्र 18 साल और 16 साल की उम्र में इतने ज़्यादा तक विकसित नहीं हो पाते हैं जितना ब्रिटेन के छात्र हो जा रहे हैं क्योंकि वो उसी के अनुसार तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने निर्यात शुल्क भी कम करने की मांग की भारतीय पदार्थों पर भारतीय चीज़ों पर निर्यात शुल्क कम करने की मांग का कारण था कि अगर भारतीय चीज़ों पर निर्यात शुल्क अधिक होगा तो भारतीय चीज़ें विदेश जाते जाते महंगी हो जाएंगी और जब महंगी हो जाएंगी तो उनका सेल घटेगा उनकी बिक्री घट जाएगी और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। और उन्होंने कहा कि मुकदमे की सुनवाई में ज्यूरी प्रणाली स्थापित की जाए ज्यूरी प्रणाली का अर्थ है कि कई जज बैठेगी ठीक है एक जज नहीं बैठेगा कई लोग बैठेंगे एक पूरा समूह बैठेगा जो ये निर्णय करेगा ठीक है चार लोग पाँच लोग छः लोग जो हों ज्यूरी में उस समय अब आते हैं अंतरराष्ट्रीयतावाद पर अंतरराष्ट्रीयतावाद पर अगर विचारों में देखें तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रों के स्वतंत्र संबंध के समर्थक थे उन्होंने कहा राज्यों में और राष्ट्रों में स्वतंत्र सहयोग होना चाहिए और उनके मध्य स्वतंत्र संबंध होना चाहिए उस पर कोई दबाव ना डाले जैसे ब्रिटिश सरकार कर रही थी सहायक संधियां थोप थोप कर राज्यों पर कि आप किसी अन्य से संबंध नहीं बना सकते हैं और विश्व में अन्य स्थानों पर चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का उन्होंने समर्थन किया जैसे स्पेन में अमेरिका में और नेपल्स में और वे स्वतंत्रता लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के समर्थक थे स्वतंत्रता लोकतंत्र और राष्ट्रवाद ये एक एक चीज़ें नोट करते चलिएगा ठीक है और फिर अंत में आते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि राजा राममोहन राय अपने समय के एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ने जिसने आधुनिक काल के महत्व को समझा था और वे जानते थे कि मानव सभ्यता की परिकल्पना आपसी भाईचारे और आपसी सहयोग और निर्भरता से परे नहीं की जा सकती है अर्थात अलगाववाद का वो समर्थन नहीं करते थे वे आपसी निर्भरता भाईचारे और सहयोग का समर्थन किया करते थे तो ये थे राजा राम राय राजा राम राय के बारे में आपने चीज़ें पढ़ी अगला वीडियो जो आपका होगा वो ब्रह्म समाज के बारे में होगा ये वीडियो लगभग तेरह से चौदह मिनट का आपका जा रहा है ठीक है तो ब्रह्म समाज के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे और ब्रह्म समाज का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्य। सात आठ मिनट में हो जाएगा क्योंकि राजा राम मोहन राय को हम समझ चुके हैं और फिर केवल ब्रह्म समाज के कार्यों और उसके उत्थान और पतन को आपको समझना है ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर की अगले वीडियो में ब्रह्म समाज के बाद ठीक है तो हम पुनर्जागरण को खत्म करते हैं जल्दी जल्दी से जब तक घर पर हैं लॉकडाउन में ठीक तो चलिए पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए देखते रहिए जी मंत्रा जय हिंद वंदे मातरम